आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कासिम जी बताते हैं कि बात है साल 2009 की। गांव में मेरा एक छोटा सा घर था जिसे मैं अक्सर भाड़े पर दिया करता था। वैसे तो मैं शहर में रहता हूं, पर क्योंकि इन दिनों काम थोड़ा मंदा चल रहा था इसलिए मैं शहर से कुछ दिन गांव में वक्त बिताने आ गया। वैसे भी गांव वाला घर खाली ही पड़ा है तो मैं वहीं रहने लगा। वैसे तो अब शहर और गांव में उतना फर्क रहा नहीं, मगर हाँ शहर के मुकाबले शांति गांव में ज़्यादा होती है। बस इसीलिए जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं सीधे अपने गांव आ जाता हूँ। उन दिनों गर्मियों का मौसम चल रहा था। 12 जून की शाम मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक चाय की टपरी में चाय पी रहा था। मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था, आसमान काले बादलों की गिरफ्त में था। अभी मैं दुकान के अंदर बैठकर चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि तभी उस दुकान की टीन के शेड पर पानी टिपटिपाने की आवाज आने लगी। मैंने उठकर शेड से अपना हाथ बाहर निकालकर बारिश की रफ्तार मापने की कोशिश की तो बारिश बहुत धीमी थी। मैंने सोचा चाय पीकर निकल लेता हूँ, वरना अगर बारिश तेज हो गई तो फंस जाऊंगा। यही सोचकर मैंने चाय के आखिरी दो घूंटों को खत्म किया और निकल पड़ा अपने घर की ओर। मैं तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था क्योंकि इस बेमौसम बरसात में भींगकर मुझे बिस्तर पर पड़ने का कोई शौक नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद ही मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने जैसे ही अपने घर की दहलीज पर पैर रखा कि बारिश और तेज हो गई। जैसे इतनी देर से बारिश मेरे घर पहुंचने का ही इंतज़ार कर रही थी। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने रूम में पलंग पर जाकर लेट गया। बारिश और हवा दोनों ही बहुत तेज थी। अब रात के 9 बज चुके थे मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेटे लेटे अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रात के इस पहर दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं थोड़ा चौंका, भला इस वक्त कौन आया होगा और क्यों आया होगा। इसी तरह के सवालों को जहन में लेकर मैं पलंग पर से उठकर दरवाजे की ओर जाने लगा। दरवाजे की कुंडी हटाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ठीक मेरे सामने 4 लोग खड़े थे। सफ़ेद कपड़े, सर पर गोल टोपी और कंधे पर खाली जनाजा लिए वो लोग बारिश में भींग रहे थे। तभी उनमें से एक ने मुझसे कहा, कासिम भाई वो क्या है कि हम लोग इस जनाजे से एक लाश को कब्रिस्तान में दफनाने गए थे। लाश दफनाकर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई और मस्जिद भी काफ़ी दूर है। एक मेहरबानी करेंगे, इस खाली जनाजे को बस रात भर के लिए अपने घर में रख लेंगे, कल सुबह हम इसे आकर ले जाएंगे। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूंगा, मगर जब उन लोगों को बारिश में ठिठुरता हुआ देखा तो मुझे दया आ गई और मैं ना नहीं बोल सका। फिर उन्होंने उस जनाजे को हॉल में दीवार पर टिका कर रख दिया और वो सभी मेरे घर से चले गए। उन लोगों की मदद करके मन ही मन थोड़ा अच्छा लगा। खैर दरवाज़ा बंद करके मैं सीधे किचन में घुसा हल्का फुल्का खाने के लिए। किचन में थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें पहले से ही मौजूद थीं। उन्हीं चीज़ों में से थोड़ा बहुत खाकर मैं अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। पलंग पर लेटे लेटे अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हॉल रूम से किसी लोहे के चीज के गिरने की जोरदार आवाज़ आई। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। इतनी जोरदार आवाज़ आखिर किस चीज़ की होगी, यही पता करने के लिए मैं पलंग पर से उठा
और हॉल रूम में जाकर लाइट ऑन किया तो देखा कि वो लोहे का जनाजा जो थोड़ी देर पहले तक दीवार पर टिका हुआ था वो अब जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर अपने आप ही इतना भारी जनाजा गिरा तो गिरा कैसे। हॉल की सारी खिड़कियां बंद थी तो ऐसे में हवा से गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। खैर, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैंने लाइट ऑफ किया और वापस से अपने कमरे में आकर लेट गया। अभी मुझे पलंग पर लेटे हुए कुछ मिनट बीते ही थे कि तभी हॉल रूम से किसी चीज़ के सरकने की तेज आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की चीज़ सरकी हो। मैं फिर उठा और हॉल रूम में जाकर लाइट जलाकर देखने लगा तो वो लोहे का जनाजा अब अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि वो अपनी जगह से सरक कर बिल्कुल मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर एक बेजान जनाजा अपने आप ही कैसे हिल सकता है? अभी मैं खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पैर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मगर मेरे पैर के पास सिर्फ उस जनाजे को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरा पैर किसने पकड़ा? अभी मैं ये सोचकर डर से कांप ही रहा था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचकर उस जनाजे में गिरा दिया। जैसे ही मैं उस जनाजे में गिरा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस जनाजे में पहले से ही कोई लेटा हो, क्योंकि मैं किसी के शरीर का स्पर्श साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। मेरे डर की कोई सीमा ना रही। मैंने अपने शरीर को उस जनाजे से बाहर निकालने की कोशिश की, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़कर रखा था और जनाजे से निकलने नहीं दे रहा था। मगर मैंने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और घर से बाहर भाग गया। पूरी रात मैं घर से बाहर ही रहा। फिर जब सुबह में वो चारों उस जनाजे को लेने आए तब मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। मगर उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कासिम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।